गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक IT5 पर। आपको एडवाइस करके IT5 कोडिंग सिखाने हमारे नहीं इसमें ऐसा सिलेबस के अंतर्गत स्टार्ट करते हैं लगभग बातें करते हुए और स्टडी पे ध्यान देते हैं। और रिक्वेस्ट है कि जो दोस्त इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें ज्यादा अगर उन्हें ये क्लास पसंद आए तो। और ठीक है, नोटपैड प्लस प्लस मैंने इंस्टॉल किया हुआ है अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पे, मैंने उसका शॉर्टकट आइकॉन ले रखा है, उसको मैं ओपन करता हूँ। और ओपन होने के बाद मैंने ऑलरेडी एक सिंटैक्स बना रखा है। सबसे पहले ये इसको मैं डिलीट करता हूँ, आपको शुरू से मैं दिखाता हूँ कि कैसे सिंटैक्स लिखना है आपको। तो जूम इन मैंने किया हुआ है, आप जब कोडिंग करेंगे तो उसको इस आइकॉन से जो कर्सर जा रहा है इससे आप जूम आउट कर सकते हैं और जिस पे प्लस लिखा है उसे जूम इन कर सकते हैं। तो मैंने जूम इन किया है ताकि आपको आपकी मोबाइल की स्क्रीन हो अगर तो उस पर भी साफ साफ दिखाई दे। तो सबसे पहले HTML5 का डिक्लेरेशन क्या होता है वो मैं लिखता हूँ एंगल ब्रैकेट के अंदर। तो इसको लिखते हैं डॉक टाइप HTML। ये डिक्लेरेशन होता है, इस ये जो पूरा टैग है इसे टैग नहीं करके HTML5 का डिक्लेरेशन करते हैं। ये HTML5 ध्यान रखिएगा, HTML5 का ना कि HTML का। HTML5 जो है वो लेटेस्ट वर्जन है HTML का जो अब यूज में हो रहा है। इसके अंदर बहुत से टैग, पुराने टैग हटा दिए गए, उनकी जगह पर कई नए टैग भी आ गए हैं, तो वो सब आपको मैं धीरे धीरे करके बताता जाऊंगा। अब इसके बाद सॉरी वो डिलीट हो गया, मैं फिर से लिख दे रहा हूं। एंगल ब्रैकेट क्लोज, फिर एंटर। अब फिर से हो गया एंगल ब्रैकेट के अंदर HTML, आपको स्मॉल लेटर्स में कैपिटल्स में भी आप लिख सकते हैं दोबारा से। और इसके बाद ये मैं सिंटैक्स बता रहा हूँ, इसमें हेड सेक्शन और बॉडी सेक्शन दो सेक्शन होते हैं जो कि मेन होते हैं। हेड सेक्शन के अंतर्गत मेटा इन्फॉर्मेशन लिखी जाती है, जैसे टाइटल टैग, स्क्रिप्ट टैग या आपका मेटा टैग, ये सब का यूज किया जाता है। तो हेड HTML के नीचे मैंने लिखा हेड टैग, ये कंटेनर टैग है। कंटेनर टैग और ओपन टैग क्या होते हैं, उनमें दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये भी मैं बताऊंगा। तो हेड टैग ओपन किया, अब इसके नीचे मैंने टाइटल टैग लगाया। टाइटल टैग को थोड़ा अंदर ही लगाते हैं। टाइटल टैग आपका किसी ब्राउजर के जिस ब्राउजर में आप कोडिंग को शो करना चाहते हैं उसमें शो करेगा, और बॉडी में आप जो भी लिखेंगे वही आपको ब्राउजर में शो करेगा आउटपुट के रूप में। टाइटल लिखा और उसको बंद किया, और इसके बाद इसमें मैंने लिख दिया सपोज एडमिशन फॉर्म। और कंटेनर टैग को स्लैश लगा के बंद किया जाता है, फॉरवर्ड स्लैश, ये आप गलती मत कीजिएगा, बिना फॉरवर्ड स्लैश लगाए कभी भी किसी कंटेनर टैग को बंद नहीं किया जाता। फॉरवर्ड स्लैश जो ये टैग आप देख रहे हैं इसको फॉरवर्ड स्लैश कहते हैं, जो सिंबल आप देख रहे हैं। इसके बाद आप एंटर कीजिए और हेड सेक्शन को क्लोज कीजिए यहाँ से। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जैसे थर्ड पोजीशन पर, थर्ड स्टेप पर हेड टैग है, तो फिफ्थ स्टेप पर हेड टैग को यदि आप क्लोज कर रहे हैं तो स्लैश लगा के जिस पोजीशन पर हेड टैग थर्ड स्टेप में है उस फिफ्थ स्टेप में भी उसी पोजीशन पर हेड को क्लोज करें। इससे आपको कोडिंग को समझने में और कोडिंग लिखने में भी आसानी होगी, यानी कि कोडिंग करने वाले को और कोडिंग समझने वाले को दोनों को आसानी होगी। तो ये स्लैश हेड को मैंने क्लोज किया, इसके बाद बॉडी सेक्शन को मैंने ओपन किया। हेड सेक्शन के बाद बॉडी सेक्शन, बॉडी सेक्शन में ही जो मैं लिखूंगा वही आपका ब्राउजर के आउटपुट बार में, आउट डिस्प्ले में शो होगा।
ये भी एक कंटेनर टैग है तो इसे भी क्लोज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बॉडी के अंतर्गत सबसे पहले मैंने एच वन लगाया जिसे हेडर टैग कहते हैं। तो एच वन से लेके एच सिक्स तक टोटल टैग 6 टैग होते हैं जिनमें से एच वन टैग का साइज सबसे बड़ा होता है और ये भी एक कंटेनर टैग है इसलिए स्लैश लगाकर इसे ही बंद करना पड़ता है। इसमें मैंने डबल इनवर्टेड कॉमा में लिखा हेलो वर्ल्ड और HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है, ये आप ध्यान रखिएगा, न कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इससे आप वेब पेज डिजाइन कर सकते हैं। CSS, JavaScript इत्यादि भी इसमें यूज होते हैं किसी वेब पेज को डिजाइन करने में, वो मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा, आपके सिलेबस में वो भी है। तो अब सबसे पहले /H1 लगा के इसे क्लोज करते हैं। इसके बाद फिर से मैं H1 टैग में लिखता हूँ सपोज अपना नाम सुशांत उपाध्याय, /H1। अब इसके बाद ओपन टैग दो होते हैं, BR टैग और HR टैग। BR टैग जो होता है वो लाइन ब्रेकिंग टैग होता है और HR टैग जो होता है वो हॉरिजॉन्टल टैग होता है, रूलर टैग, वो आपका लाइन खींचने के लिए किसी टेक्स्ट के नीचे यूज होता है। ये दोनों ही ओपन टैग है, इसके अलावा कोई भी ओपन टैग HTML5 में नहीं है, तो बाकी सब कंटेनर टैग है। अब मैं यहाँ से एंटर मारता हूँ और बॉडी जिस पोजीशन पर ओपन हुई थी उसी पोजीशन पर कर्सर लाकर स्लैश लिख के स्लैश लगा के फॉरवर्ड स्लैश बॉडी को क्लोज करता हूँ। इसके बाद एंटर करके /HTML सेकेंड स्टेप पे HTML जहाँ पे उसी पोजीशन पर लाकर /HTML को भी 10th स्टेप में क्लोज करता हूँ। अब ये कंप्लीट आपका एक कोड हो गया जिसमें आपको आउटपुट में मिलेगा हेलो वर्ल्ड आपके ब्राउजर पर। तो इसको सबसे पहले सेव कर लेते हैं हम। सेव करने के लिए हम फाइल में जाएंगे और सेव एज को क्लिक किया। अब इसमें हम डेस्कटॉप पे इसको सेव करते हैं और फाइल टाइप में हम लिख लेते हैं .html और इसको मैं ले लेता हूँ हेलो वर्ल्ड या सुशांत उपाध्याय सुशांत.html, कुछ भी आप ले सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। मैं ले लेता हूँ सुशांत.html। html.html html फाइल का एक्सटेंशन होता है, इसे .htm से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसे सेव करते हैं। ये डेस्कटॉप पे सेव हो जाएगा। अब सेव हो गया, अब इसको यहाँ से क्लोज करते हैं और यहाँ से क्लोज करने के बाद इसको भी क्लोज कर दिया। अब सुशांत नाम की फाइल यहाँ पे बन चुकी है HTML की, इसको ओपन करते हैं। देखिए टाइटल बार में आपको एडमिशन फॉर्म जैसा कि टाइटल में मैंने लिखा था वो दिख रहा है और आउटपुट में आपको H1 टैग की सहायता से हेलो वर्ल्ड और सुशांत उपाध्याय जो कि आउटपुट में दिखना चाहिए था वो दिख रहा है। तो ये होने के बाद ये आपने एक सफल कोडिंग कर लिया HTML की। अब इसके बाद और जैसे जैसे टॉपिक में आगे बढ़ाता जाऊंगा आपको और टिपिकल कोडिंग्स बताता जाऊंगा और आप बहुत आसानी से उसे सीख जाएंगे। आज की क्लास यहीं पे सीमित करते हैं दोस्तों और आप लोगों से फिर से आग्रह है कि अगर आप लोगों को क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और अच्छे से समझें। अगर न समझ में आए तो मुझसे चैट करके, कुछ भी न समझ में आए तो चैट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7897, वो मैं आपको बता चुका हूँ 7897254607। और अब यहाँ से प्लीज़ मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। स्टे सेफ, स्टे एट होम, गुड बाय, टेक केयर एंड गुड इवनिंग।